लेफ्ट हैंड साइड पे ये ट्रेन की पटरियां, इधर हाईवे और इधर हमारी दन्नो। मस्त नजारा है ना। गुड मॉर्निंग है जी सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। कल हमने बिताई रात उस वो जहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है ना, उस ढाबे पर हमने कल रात गुजारी। और आज है जन्माष्टमी, तो वी आर ट्राइंग टू रीच, मतलब कि हम सोच रहे हैं कि गुजरात के जितना अंदर जा पाए ना, मतलब जितना अंदर चले जाएंगे उतनी अच्छी हमें जन्माष्टमी देखने को मिल सकती है। तो अभी हम निकल गए हैं जस्ट चाय पी के, अभी फ्रेश वगैरह, कपड़ा नहाना धोना ये सब रहता है। तो देखते हैं आगे कहीं अच्छी जगह करते हैं जहाँ सहूलियत वाली जगह हो। और अभी हम चल रहे हैं मस्त। तो जी सुबह से निकले हुए, अपने को 2 से 4-5 मिनट भी नहीं हुए और बारिश ने हमें दोबारा से घेर लिया है। हर रोज़ की तरह जैसी चलते हैं वैसी बारिश दस्तक दे देती है और फिर रात तक बारिश मिलती है। ये देखो हाथ वात सब भीग चुके हैं। और ये जो बारिश है ना, ये वाली मतलब कि ये छोटी छोटी बूंदे वाली, ये ज़्यादा वो करती हैं डिस्टर्ब, क्योंकि ये यार क्या ही बताऊँ मैं। और अभी चले ही थे, कोई फ्रेश होने की जगह भी नहीं मिली और यहाँ रुकना पड़ गया मजबूरन। जी चमक गया ना मैं, फाइनली हम नहा धो के बढ़िया से नाश्ता वास्ता करके और हम निकले हैं गोधरा की तरफ। गोधरा अपनी लोकेशन से समथिंग अराउंड है 75 to 80। एंड आज जन्माष्टमी का भी दिन है, तो वी आर ट्राइंग टू सी जन्माष्टमी फेस्टिवल इन गुजरात एज सो। तो हम चल रहे हैं गोधरा की तरफ, शाम को किसी अच्छे टेम्पल या किसी अच्छे एनवायरनमेंट में जहाँ जन्माष्टमी अच्छी मनाई जा रही होगी वहाँ पहुँचेंगे। और हाईवे अच्छा है, 4-lane हाईवे है, सीधा सीधा चलना है, कहीं मुड़ना नहीं है, जहाँ जहाँ रोड जाए वहीं चलना है। तो मॉर्निंग में 10 kilometers आने के बाद अपन फ्रेश अप हुए और अब हम चल रहे हैं अपने दिन की अच्छी सी शुरुआत करते हुए। गाड़ियाँ बहुत तेज चलती हैं बस इस हाईवे पे, तो बारिश भी है, धूप भी है, बादल भी हैं सब। भैया पूरा आधा भीग चुका हूँ और रुक के जैकेट इसलिए नहीं निकाली क्योंकि यहाँ यही हो रहा है, ज़रा सी बारिश है ज़रा सी फिर धूप है, ऐसा होता जा रहा है। तो बार बार टाइम वेस्ट करने वाली बात, नज़ारे देखो, बादल देख रहे हो ऊपर बिल्कुल काला, आगे भी एकदम ठीक। सुबह से आज सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर आए हैं और उसमें भी हमारी आज हालत ख़राब हो गई है। क्यों? ये मौसम, धूप छांव और बरसात। तो धूप पड़ती है तो ऐसी पड़ती है कि पूछो मत, बरसात पड़ती है तो ऐसी पड़ती है पूछो मत, तो बंदा आखिर करे क्या। ये माहौल है, धूप ने तो लेनी देनी कर रखी है। इस बस स्टैंड पर रुके हुए थे और देखते हैं चल रहे हैं आगे की तरफ। यार आज ना बिल्कुल भी चलाने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है कोई जगह मिले और रेस्ट करें। तो देखते हैं क्या होता है, देते हैं आपको अपडेट। तो भाई अभी अभी एक अपडेट मिली है कि हमारे रास्ते में ना एक पिपलोट गांव पड़ता है और उसके बीच में एक आता है एक मेला लगा हुआ है जन्माष्टमी का, तो आपा को 2-4 kilometers अंदर जाना पड़ेगा। तो चल रहे हैं और ये मतलब उस गाँव का रास्ता है पिपलोट का, वहाँ पे मेला है लगा हुआ है, थोड़ा सा मेला घूम लेते हैं यार, बड़े दिन हो गए। तो हम जा रहे हैं पिपलोट की तरफ और फिर दोबारा से थोड़ी देर वहाँ अपना टाइम समय बिता के फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। मेले के नाम पे भरी हुई मार्केट, धूल भरा रोड, पोपट, ऐसा लग रहा है पोपट कट गया। पता नहीं कौन सा मेला है, देसी फेस्ट है, यहाँ तो खिलौने शीशे बिक रहे, मंगल बाजार लगा पड़ा। पूरा धूल में नहा लिया मैं। फिल्में हैं यहाँ एक से एक चिरांद। हमें तो बताया गया था कि मेला लगा है भाई, बाद में पता लगा वो बाजार टाइप का वो उनके लिए मेला था, क्योंकि यहाँ पे जन्माष्टमी शायद कल की मनाई जाएगी, जो एक्चुअल में शायद वो जो मटकी फोड़ होती है। और मैंने भी कुछ लोगों से पूछा, तो हम चल रहे हैं फिर हमने दोबारा से गांव वहाँ होते हुए हम हाईवे पे आ गए और हम चल रहे हैं गोधरा की ओर।
ओ आज यार बड़ा अजीब सा लग रहा, आज मन सा नहीं था चलाने का, मतलब क्या ही बताऊं। लोकेशन है गोधरा एक्सप्रेसवे, ये यहाँ से टोल आ रहा है भैया, और इसका नाम है गोधरा एक्सप्रेसवे। और ना मेरे को अचानक से खुशबू आई, शायद सामने दुकान में कुछ मिल रहा है ये अब पता नहीं, पर यार खुशबू आई और मैंने आज सुबह से बस वो वही परांठे खाए हुए हैं, एंड टिल नाउ वी हैवन्ट ईटन एनीथिंग। आहो हम बिना पैसा के जाएंगे, हम पैसा नहीं देंगे। गोधरा एक्सप्रेस वे प्राइवेट लिमिटेड, एंड ये अमूल का है, अमूल का तो इस पर शायद कुछ खाने को मिल सकता है, वी आर नॉट श्योर।